आज चंबा जिले के युवा एवं एक सर्विसमैन लीग के 200 से ज्यादा सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने सर्किट हाउस चंबा के प्रांगण में कर्नल सुरेंद्र राणा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा को मुख्य अतिथि बुलाया गया। इस बैठक का मुख्य मुद्दा आने वाले लोकसभा के चुनाव में भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ और मांगे रखकर अपने कांगड़ा लोकसभा के प्रत्याशी के नाम की चर्चा करना था। सभी पूर्व सैनिकों ने एक मत होकर मांग उठाई कि इस आने वाले चुनाव में कांगड़ा लोकसभा का प्रत्याशी सेना से रिटायर्ड व्यक्ति होना चाहिए और मेजर जनरल धर्मवीर सिंह को भरपूर समर्थन का वायदा एक मत से किया गया। आप सबको ये विदित है कि वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल जून इसी वर्ष समाप्त होने जा रहा है। जाहिर है इससे पहले लोकसभा के चुनाव अप्रैल या मई में होंगे। हमारे कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा AVSM, SM, VSM ने अपनी दावेदारी कांग्रेस की टिकट के लिए पेश की है। जनरल राणा साहब की जीवन गाथा समर्पण, संघर्ष, त्याग और सेवा भाव से उत्प्रोत है। जनरल राणा ने 36 वर्ष सेना में सक्रिय सेवाएं दी हैं। उन्होंने युद्ध काल और शांति काल में कुशल सैनिक नेतृत्व, वीरता, साहस और उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिनके लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। सेना से सेवानिवृत्ति के उपरांत जनरल राणा साहब हिमाचल प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने 2017 से लेकर 2021 तक संघ लोक सेवा आयोग में अपनी सेवाएं दी हैं और अपना कार्य बड़ी ईमानदारी और पारदर्शित तरीके से किया। राणा साहब सैनिकों की वेलफेयर की गतिविधियों से जुड़े हैं। सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन्हें वो सही फोरम पर समय समय पर उठाते रहते हैं। लोकप्रिय हैं और योग्य हैं। जनरल राणा साहब एक परिपक्व व्यक्तित्व हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, दूरंदेशी हैं, समस्याओं की का समाधान करने की काबिलियत रखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का ज्ञान है, सही और गलत में अंतर जानते हैं, कानून और संविधान की जानकारी रखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का ज्ञान है, प्रशासनिक क्षमता है और सबसे ऊपर एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा योग्य आदमी हमारे प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्ध है। मैं और हम सब लोग राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस पार्टी के जो भी आधिकारिक अधिकृत हैं टिकट आवंटन के लिए, हम उनसे आग्रह करते हैं कि कांगड़ा चंबा संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए मेजर जनरल DVS राणा को टिकट दी जाए। मैं
कांगड़ा और चंबा की प्रबुद्ध जनता से भी अपील करूंगा कि चुने उसे जो योग्य है, ज्ञानवान है, प्रकाशवान है और बुद्धिमान है। और मेजर जनरल धर्म सिंह राणा एकमात्र विकल्प हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सकते हैं और हमारी एक साधारण आदमी की आवाज़ लोकसभा में या भारत की सर्वोच्च संसद में बुलंद कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर चंबा के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ मुलाकात करने आए हैं। एक्स सर्विसमैन और कुछ युवा लोग भी हैं, युवा साथी भी हैं हमारे यहाँ पर। चंबा में आने का मकसद ये था कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं यहाँ पर और जो यहाँ के जो परमानेंट बाशिंदे हैं उनकी कुछ जो दिक्कतें हैं, मुश्किलातें हैं, आर्थिक तौर पर कुछ बदहालियाँ हो रही हैं, उनके बारे में हमने अपने विचार साझा करने हैं। और जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि मैं इस बार कांगड़ा चंबा लोकसभा के लिए अपना प्रत्याशी का नाम भी मैंने दिया है और अगर मौका मिले तो फिर मैं इस इलाके के लिए क्या क्या मेरे मन में विचार हैं चंबा के लिए खासकर, और कांगड़ा की मैं अभी शाहपुर में मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी मिल के आया हूँ सबसे, तो वो विचार मैंने साझा करने हैं ताकि हम आगे आने वाले समय में एक जो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिमाचल में चंबा सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है, उस पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए आज तक कोई ज़्यादा प्रयास नहीं हुए। इस ज़िले को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में के नाम से डाल दिया गया क्योंकि पूरे देश में 120 ऐसे ज़िले हैं उनमें डाल दिया गया, हालांकि कांगड़ा चंबा और ख़ास करके चंबा में इतनी प्राकृतिक संपदा हमारी है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ ये पिछलेपन से हम 2 या 3 साल में बाहर आ सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि आज यहाँ पर अच्छी लीडरशिप, लोग जो अनुभवी हैं जिनमें पढ़ाई लिखाई का अनुभव भी है और ख़ास करके हम जो सेना से आते हैं हमें एडमिनिस्ट्रेशन का या प्रबंधन का पूरा पूरा हमें अनुभव होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे अनुभव के 36 साल सेना के अनुभव को अगर मैं कांगड़ा और चंबा और ख़ास करके चंबा के यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ की जो दिक्कतें हैं एजुकेशन में, जो बुनियादी सुविधाएं हैं बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा, इनके अंदर मैं अगर मैं अपना योगदान दे पाऊँ और मेरा ये वायदा रहेगा चंबा के वासियों के साथ में कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है, मैं 3 साल के अंदर आपको दिखा सकता हूँ कि कांगड़ा चंबा को हम किस तरीके से एक पिछड़ेपन से बाहर निकाल कर, ये धब्बा है हमारे ऊपर, इस धब्बे से बाहर निकाल कर एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। तो मैं आज अपने फौजी भाइयों से और युवा साथी जो यहाँ पर हैं उनसे इन्हीं बातों पर विचार साझा करने आया हूँ। तो कुछ एक जो चंबा की दिक्कतें हैं मुझे इनसे भी पता लगी हैं, पहले भी फ़ोन पे भी, और ख़ास करके जैसे चुरा में हमारा सीमेंट प्लांट कई 3-4 दशकों से वो लटका हुआ है। ये एक इतनी बड़ी हमारे लिए एक संभावना है कि जिसमें डायरेक्ट तौर पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार नौकरियां मिल सकती हैं यहाँ के युवाओं को और इनडायरेक्ट तकरीबन 10 से 12 हज़ार नौकरियाँ। यही एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार का एक जरिया बन सकता है। लेकिन सरकारें 10 सरकारें आती हैं, लोकसभा एमपी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन
इस बात के ऊपर गौर नहीं हो रहा है। चुरा का जो इलाका है वो इतना वहाँ पर लाइमस्टोन है कि अगले 70 साल तक प्रतिदिन 10,000 मेट्रिक टन सीमेंट जो है बन सकता है। आप देखिए चंबा के लिए कितना पैसा मिलेगा, लोगों के रोजगार में कितना पैसा मिलेगा, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो ढाबे वाले हैं, चाहे सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, बहुत सारी संभावना है। चंबा की मैं दूसरी बात करूं तो जो हमारी प्राकृतिक हम जो जो यहाँ पर संभावनाएं हैं जिसके अंदर एरोमेटिक प्लांट्स, हर्बल प्लांट्स, इसका बहुत बड़ा यहाँ पर कारोबार हो सकता है। हर घर में कमाई आ सकती है। मेहनत कश लोग हैं यहाँ के। जो कांग्रेस पार्टी में एक जो सर्वे चल रहा है उसमें मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा की दावेदारी पेश की है और मुझे हाईकमान से भी जो लोगों ने बतलाया था कि आप दावेदारी कीजिए और आपका जो नाम है जैसे भी पूरे सर्वे के बाद आएगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हिमाचल का जो एक्सर्विसमैन मेरे साथ में जुड़ा हुआ है जिसके अंदर की सभी कम्युनिटीज़ आती हैं, आप कोई भी OBC ले लीजिए, SC ST जो भी कम्युनिटी है वो सेना में हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूर्व सैनिकों में जुड़ी हुई है। इसके अलावा युवाओं के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, तो युवा भी बड़ी मात्रा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ख़ास करके गृहिणियों के लिए भी और फार्मर्स के लिए जो मेरे पास जो काम करने के जो प्लान्स हैं मैं समझता हूँ कि उनमें अगर इस हलके में कांगड़ा चंबा के इसमें अगर मेरी सेवाएं दी जाएं तो जनता यहाँ की निराश नहीं होगी। मैं आपको ये बोलता हूँ कि 5 साल के बाद आप निराश नहीं होंगे। काम करने को बहुत हैं, ख़ास करके नौकरियों के लिए, इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसके लिए, और जो मेरे फौजी भाई हैं उनके लिए बड़े ऐलान जो हैं, जो हमारा यहाँ पर CSD डिपो नहीं है उसको हिमाचल के अंदर लेके आना। आज हम CSD का सारा सामान पंजाब से लेके आ रहे हैं और पंजाब में उनका पहले सेल टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, फिर हिमाचल का सेल टैक्स और वैट देते हैं, फिर हमें सामान मिलता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि कांगड़ा चंबा के एरिया में डिपो आए और डिपो आने के बाद वहाँ पर भी काफ़ी सारी नौकरियों का प्रावधान हो सकता है। दूसरी बात जो हमारी बहुत पहले से डिमांड रही है कि जैसे हर स्टेट की एक आर्मी में रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, उसी तरीके से मैं भी कहता हूँ कि हिमाचल में भी हमारा जो डोगरा रेजिमेंट है उसका नाम हिमाचल रेजिमेंट के नाम से होना चाहिए और उसका सेंटर भी हमारे हिमाचल के ही हमारे बाउंड्री के अंदर कहीं ना कहीं लगे। एक सेंटर के आने से भी वहाँ पर भी बहुत सारी नौकरियों का पिटारा खुल सकता है, बहुत लोगों को सहूलियत हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर हैं उनके जो पद नहीं भरे जा रहे हैं उनकी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ हर जगह पर ताकि उनके पद भरे जा सकें। जो हमारे कैंटीन में कटौतियाँ हो रही हैं सैनिकों की वो उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। और सबसे बड़ी आवाज़ जो मैंने हमने सबने मिलकर उठानी है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया था, वो है कि ये लोकसभा चुनाव निर्णायक होगा। इस लोकसभा चुनाव में हमने अपने सेना के साथ जो कुठाराघात हुआ है, इतना बड़ा आघात हुआ है कि हमारे अग्निवीर योजना लाने के बाद हमारे सैनिकों का सैनिक होने का दर्जा भी छिन गया, उसको इस लोकसभा चुनाव में हम सब सैनिक इकट्ठे होकर पार्टी जो भी चुनाव चुनकर आएगी उसके ऊपर दबाव डालेंगे ताकि वो हमारा जितना भी इसमें नुकसान हुआ है ख़ास करके हिमाचल का, 4,500 बच्चे हर साल स्थायी नौकरी पेंशनेबल नौकरी में जाते थे जब हमारा फिक्स कोटा था, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, राजरे, ग्रेनेडियर्स, जैक रेव,
तो आज वो कोटा छिन गया और अभी हमारे 450 के पद बस रह जाएंगे तो सिर्फ 300 से 350 पद। तो इतना बड़ा नुकसान है आर्थिक तौर पर हिमाचल को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इकट्ठा करना है और इकट्ठे होकर ये खास करके अग्निपथ के खिलाफ जो लड़ाई है इस बार निर्णायक तौर पर लड़नी है ताकि पुरानी भर्ती प्रक्रिया फिर से चालू हो। 3 साल जो युवाओं ने सारे टेस्ट दिए, भर्ती के टेस्ट पास किए और उसके बाद क्या हुआ, वो 3 साल के बाद उनको बोला फिर से आप अग्निवीर भर्ती के लिए अलग से आओ। वो तकरीबन 1.5 लाख बच्चा है हमारे हिमाचल का, उसकी लड़ाई हमने लड़नी है। तो काम बहुत हैं, सिर्फ ये है कि मुझे आप सबका सहयोग चाहिए और साथ होगा तो मैं आपको ये ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक फ़ौजी का काम करने का तरीका, मुझे 3 बार राष्ट्रपति महोदय से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो मैं अपने काम के लिए सेना में भी प्रसिद्ध था और यहाँ पर सेना में आने के बाद भी मैं अपना काम करके आप लोगों से वाहवाही बाद में लूँगा, पहले नहीं, काम करने के बाद।